गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आपका फिजिक्स का थर्ड चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा, थोड़ी बहुत इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी और करंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? सी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जस्ट लाइक हमारे पास अगर वाटर, मान लो मैंने एक लो ये ले लिया, लिम ले लिया, एक बीकर ले लिया, इसकी दो लिम्स हैं। ठीक है, मान लो इस लिम में पानी यहां तक है और इस लिम में पानी यहां तक है और बीच में क्या रखा है, कॉर्क लगा के। ठीक है, ये बांध है, ये जो है दैट इज क्लोज। अब यहाँ पे जब हम इसको ओपन करेंगे, इस कॉर्क को ओपन करेंगे, स्टॉप कॉर्क को ओपन करेंगे, तो हमारे पास वाटर जो है कहाँ से फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक, जब तक ना यहाँ पे हमारे पास दोनों का लेवल क्या हो जाए, दोनों का लेवल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब तक वो क्या करेंगे, फ्लो करते रहेंगे। इसी तरह से हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर्किट्स में, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है, हमारे पास बैटरी, जो हम बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं, वो क्या क्रिएट करता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसे क्रिएट करता है, देखिए अगर हमारे पास एक चार्ज है, एक कंडक्टर है, इसमें चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, इस चार्ज को मूव करवाने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर हमने चार्ज को मूव करवाया, दैट मीन्स फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट हुई, तो दैट मीन्स उसके ऊपर क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, एक चार्ज यहाँ पे, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए कितना वर्क डन लगता है, दैट विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय लेटर वी, लेटर वी, वी से नोट करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज, और इसका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंसेस। वर्क डन का यूनिट क्या है, दैट इज जूल, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, जूल्स, जूल्स पर कूलम, एंड दिस जूल पर कूलम इज नाउन एज, दिस जूल पर कूलम इज नाउन एज वोल्ट। ओके, दैट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। और हमारे पास इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो डिवाइस यूज होता है, दैट इज नोन एज वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के बीच में होता है, जैसे ये हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगी, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगी। इसीलिए वोल्टमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में। ठीक है, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, जिसलिए इसको क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास, और ये दो पॉइंट्स के बीच का ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, मेजर करता है, दैट इज व्हाई वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अब इसी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस के बाद हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फर्क है, फर्क कोई नहीं है, सेम है, मिक्स, दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फर्क कितना है कि यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें हम
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो है इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। यहाँ पे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट नहीं बल्कि इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट जो है चार्ज को मूव कराते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एक पॉइंट से इंफिनिटी से, मतलब विसिनिटी के बाहर है, चार्ज की विसिनिटी से बाहर कोई पॉइंट है उसको उस विसिनिटी के अंदर, उस एरिया के अंदर लाने में कितना वर्क डन होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको भी सेम लेटर बी से डिनोट करते हैं, किसके बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज इक्वल टू वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो कब कहेंगे किसी भी इसमें किसी भी इसका सर्किट का वन जो आपके पास वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर एक चार्ज को मूव करवाने के लिए कितना वर्क डन यूज करना पड़े, वन जूल वर्क डन हो, तो हम कहेंगे कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वन वोल्ट। आपने सुना होगा बैटरी में, बैटरी का लिखा होता है बैटरी के ऊपर वन वोल्ट, टू वोल्ट, फाइव वोल्ट, टेन वोल्ट, वो क्या होता है, दैट इज कितने चार्जेस जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने चार्जेस जो है वर्क डन कितना हो रहा है इन चार्जेस को मूव कराने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज वोल्ट। अच्छा, उसके बाद कुछ सिंबल्स हैं जो यूज होंगे हमें आगे, तो वो पढ़ते हैं हम, क्या क्या सिंबल्स हैं, सिंबल्स, कंपोनेंट्स एंड सिंबल्स, कंपोनेंट्स एंड सिंबल्स। सबसे पहला सिंबल देखिए आप, सबसे पहला सिंबल लिखते हैं बल्ब का, बल्ब को किससे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, लाइक दिस, ये हो गया बल्ब। इसी के बाद हमारे पास आ गया बल्ब के पास सेल, सेल ये हो गया सिंगल सेल। इसी तरह से बैटरी, मोर देन वन सेल जब लगते हैं तो बैटरी बन जाती है आपके पास, ये बन जाएगी आपके पास बैटरी। इसी के बाद आपके पास आते हैं रेजिस्टेंस, लिख रही हूं मैं सिंपल इस साइड में रेजिस्टेंस, स्विच, ओपन स्विच ऐसे भी बनाते हैं इसको, ओपन स्विच इसको ऐसे भी बनाते हैं सिंपली, या फिर ऐसे बनाते हैं। ठीक है, क्लोज स्विच, उसके बाद आ गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको ऐसे लिखते हैं, रियोस्टैट, ये सारे हमें आगे यूज होंगे, दैट इज व्हाई मैं लिख रही हूं इसको रियोस्टैट। के बाद आता है आपके पास एमीटर, एमीटर, एमीटर के बाद आता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के बाद आता है आपके पास वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के बाद आ गया आपके पास
वायर, सिंपली कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर, वायर जॉइंट, वायर जॉइंट विदाउट जॉइंट, सो दीज आर सम सिंबल्स एंड कंपोनेंट्स जो हमें सर्किट डायग्राम्स में जो है वो यूज होते हैं। ठीक है, अब सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं, सर्किट क्या होता है, सर्किट एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या करती है, फ्लो करती है। और सर्किट डायग्राम क्या होता है, जिसमें हम सिंबल्स यूज करके हम पाथ जो है वो बताते हैं, कंडक्टिंग पाथ को बताते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सर्किट डायग्राम। तो ये वो सिंबल्स जो हमारे सर्किट डायग्राम्स में यूज होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बताया था हमें सर जॉर्ज साइमन ओम। इसने क्या किया था, इसने रिलेशनशिप बताया था किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था, रिलेशनशिप बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। इसने कहा था कि ये दोनों चीजें जो है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है, दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या दिया था इसने स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट is directly proportional to the potential difference applied across its ends provided physical conditions remains same, ठीक है। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन रिमेंस सेम। दैट मींस आप ऐसे बता सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होगा उतनी ही ज्यादा क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। ऑब्वियसली अगर हम वाटर की एग्जाम्पल ही ले लें, मैंने ऐसे आपको एग्जाम्पल कहा था, जितना ही डिफरेंस ज्यादा होगा हाइट का, जैसे अगर यहाँ पे है, जितना ही डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा क्या करेगी, वाटर फ्लो करेगी। इसी तरह से जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। आप बोल सकते हो, आप मान सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज है, क्योंकि अगर दो एंड से हमारे पास अगर उनमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, उनमें डिफरेंस नहीं होगा, चार्जेस का डिफरेंस नहीं होगा, तो करंट जो चार्जेस है वो फ्लो नहीं करेंगे। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस इज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट। करंट जो फ्लो कर रही है दैट इज द इफेक्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे पास है दैट इज द कॉज। इसीलिए हमारे पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी करंट जो है वो क्या करेगी, ज्यादा फ्लो करेगी। इसका मतलब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना वी ज्यादा होगा उतनी क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, यहां पे कांस्टेंट लगता है, दैट इज आर आई, और इस आर को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो जितना हमारे पास
वी जितना वी होगा उतनी आई होगी, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि वी जो है वो कितना प्रोपोर्शनल होगा जितना रेजिस्टेंस इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जितना होगा उससे मल्टीप्लाई करके उतनी ही करंट हमारे पास क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। आर जो है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, अगर यहाँ से हमारे पास निकाला जाए तो आर किसके बराबर आएगा, वी अपॉन आई। इसका मतलब आर जो है जितना आर ज्यादा होगा उतनी करंट जो है वो क्या करेगी, कम फ्लो करेगी। जितना आर कम होगा उतनी करंट क्या करेगी, ज्यादा फ्लो करेगी। नाउ व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, हमने कहा रेजिस्टेंस जो है जितना ज्यादा होगा करंट फ्लो कम करेगी। दैट मीन रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, द अपोजिशन ऑफर्ड ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, दैट इज आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है, अब रेजिस्टेंस कैसे बनती है, अपोजिशन कैसे क्रिएट होती है, जैसे आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोग जो है मान लो यहाँ पे थोड़े से बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे, थोड़े से नहीं बहुत सारे बच्चे, जब वो मूव करना स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी आगे चलने में, तो वही रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट होती है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जब वो फ्लो करते हैं तो उनके फ्लो के टाइम में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। ड्यूरिंग दैट कोलिजन वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, दिस रेजिस्टेंस, कोई हम बाहर से रेजिस्टेंस नहीं दे रहे, कोई हम बाहर से कुछ उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे, कोई उसमें डॉपिंग नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं डाल रहे, बल्कि रेजिस्टेंस जो है विद इन दैट सर्किट जो विद इन दैट कंडक्टर जो है खुद ब खुद क्या हो रही है वहां पे बन रही है। किसकी वजह से, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, अपोजिशन ज्यादा होगी तो चार्जेस जो है वो क्या करेंगे, कम फ्लो करेंगे, तो करंट क्या करेगी, कम फ्लो करेगी। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ही करंट जब करेगी, ज्यादा फ्लो करेगी और हमारे पास जो है ज्यादा करंट जो सर्किट में फ्लो करेगी। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर देखा जाए पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है वो किस, उसका यूनिट क्या है, दैट इज ओम। और इस ओम को इसने अपने नाम में, जॉर्ज साइमन ओम के नाम में इसको रखा है ओम, इसका यूनिट, और ओम को डिनोट करते हैं विद लेटर, दैट इज ओमेगा, ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पीयर। ठीक है, तो कब कह सकते हैं किसी भी सर्किट में 1 ओम रेजिस्टेंस है, अगर उस सर्किट में क्या हो रहा है, उस सर्किट में 1 एम्पीयर करंट कर रही है अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो हम कहेंगे कि उस सर्किट में कितना ओम का रेजिस्टेंस है, दैट इज 1 ओम। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास यहां से पता चल गया कि ओम जो है वो क्या है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो अपोजिशन ऑफर हो रही है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ओम ने क्या कहा था, ओम्स लॉ ने यही कहा था कि हमारे पास जब भी आपके पास जितना ज्यादा, इसने रिलेशन बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, क्या कहा था कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगी, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द एंड्स, उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या क्रिएट होगा वहां पे, उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, करंट जो है वहां से फ्लो करेगी। और हमारे पास जो है यहाँ पे जो है ओम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अपोजिशन उनके बीच का जो प्रोपोर्शनलिटी होगा, कितना वो प्रोपोर्शनल होगा, वो कितनी करंट फ्लो करेगा, वो डिपेंड करेगा एक और चीज पे, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस आर के ऊपर। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी हमारे पास करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी करंट की वैल्यू क्या आएगी, कम। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वोल्टेज और करंट के बीच में, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है कॉन्स्टेंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो कॉन्स्टेंट स्ट्रेट लाइन बन रही है इसको क्या कहेंगे हम, दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास हो गया ओम्स का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में हमें यही बताना है कि जो भी ये रूल्स
फॉलो करेंगे, अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी तो उनको क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ओमिक ओमिक कंडक्टर्स, और अगर जो ऐसे रूल फॉलो नहीं करते उनको क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो आज के लिए इतना काफी है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इस ये रेजिस्टेंस जो